होता है। मेरी दीदी को बचा लो। क्या हुआ? मेरी दीदी को बचा लो। क्या हुआ? मेरी दीदी को बचा लो। आइए आइए आइए, पेट पर लिख आइए। डॉक्टर साहब, प्रकृति साहब, ये मेरी दीदी को बचा लीजिए। इसने दूध पिया और उस दूध में कोई केमिकल था या क्या था, मुझे इतना मालूम नहीं है सर, आप चेक करिए। दूध पिया था? हाँ, और बेहोश हो गई। चेक कर लीजिए साहब। प्रकृति साहब, मेरी दीदी बच जाएगी ना? घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। यहाँ पर आए हो तो आपकी बहन जरूर ठीक हो जाएगी, भरोसा है। या अल्लाह ताला, तेरा कैसा करिश्मा है, ऐसे से मरीज आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हुआ है उसमें, क्या आपको पता चला, नॉलेज हुआ? मुझे नॉलेज हो गया और पता भी हो गया, उस दूध में जहर था। जहर था? हाँ। या भगवान, या खुद पी लिया या पिलाया गया, लेकिन घबराओ मत, पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी तो ठीक होकर जाएगी। ठीक है साहब, भरोसा रखो, हमें भरोसा है आप पर, आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आज देख भी लिए हो ना? ठीक है, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। कहिए सर। इंजेक्शन लगाओ इसको पहले। ठीक है, इसे होश मिलाओ पहले। खान साहब, क्या कभी ये इंजेक्शन दिया है किसी को कि नहीं, वरना कोई अनर्थ हो जाए। अरे जो यहाँ रोता हुआ आया है वो यहाँ से हंस कर गया है, अल्लाह ताला की मर्जी, आज तक कोई मरीज हमारे यहाँ से मुर्दा नहीं गया, जिंदा होकर गया है, भरोसा रखो ठीक हो जाएगा। शिव कुमार। कहिए सर। इंजेक्शन तैयार है? जी सर, एक मिनट बस, तैयार हो जा रहा है सर, तुरंत। जल्दी करो, हालत गंभीर है। सर ये लीजिए, सर ये भी लीजिए। खान साहब जल्दी कीजिए, चिंता मत करो। कुमार सर, ये तो जहर की दवाई है, जहर निकल जाएगा, लेकिन व्यवस्था ग्लूकोज को बोतल चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं सर, लाओ मुझे। ये लीजिए। ठीक है कंपाउंडर साहब, थोड़ा जल्दी करिए, हेल्प कर दीजिए डॉक्टर साहब का। चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो। लाइए सर। जल्दी करिए।
रमेश भैया तुम आ जाओ इधर, दीदी को ग्लूकोज चढ़ रहा है ना। हाँ घबराओ नहीं, परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रामबली चिंता मत करो भैया। रामबली हाँ भैया, जैसा नाम सुना था डॉक्टर साहब का फुकरुद्दीन खान, हाँ उनका काम भी वैसा है। बहुत सुना साहब ने, देर नहीं लगाया, बहुत जल्द दवा कर दिए रहे हैं। डॉक्टर फुकरुद्दीन खान के यहाँ कोई मरीज गड़बड़ नहीं हुआ है। सांस चलने लगी साहब, चिंता मत करो। कितना समय अभी लगेगा? अभी बोतल तो चढ़ जाने दो, जल्दी है क्या? नहीं साहब, नहीं तो अपना मरीज लेकर जाओ। नहीं, शांत रहो रमेश भैया। जब कह दिया ठीक हो जाएगा। सर जब तक ग्लूकोज चल रहा है सर, तब तक आप सर दवा लिख दीजिए सर। हाँ ये बात ठीक है, कुछ दवा अपने यहाँ मिल जाएगी, कुछ दवाएं किसी मेडिकल पर ले लेंगे सर। कंपाउंडर साहब कहिए किस मेडिकल पर मिलेगी उसको भी बता दीजिए। ये जमजम मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। जमजम मेडिकल स्टोर, वहाँ कौन रहता है? वहाँ पर वो जो नए डॉक्टर आए हैं इलाहाबाद से, नए डॉक्टर मुकेश खान आए हैं जो। ठीक है। लिखिए सर। सर पर्ची निकाल कर दे दीजिए आया। और कुछ दवाएं अपने पास है, दवा दे दीजिए सर। घबराने की बात नहीं है, अभी बेहोश है, बस थोड़ी देर में इसको होश आएगा और वो ठीक ठाक हो जाएगी। सांस तो चल रही है ना? हाँ सांस बराबर चल रही है। रामबली हाँ भैया, ये लो दवा की पर्ची है, जाओ दवा लेके आओ। दवा के लिए? या तो फिर दीदी को ले चले। कंप्यूटर साहब ऐसा नहीं हो सकता, जो दवा अपने यहाँ से आप देंगे फिर हम थोड़ी देर बाद मतलब खरीद लेंगे। कोई बात नहीं, जो भी दवा अपने पास है इसको मैं दे रहा हूँ, और जो बाकी दवा है आप जाकर मेडिकल पर ले लेना। ठीक है सर। दीदी को हमारे होश आ रहा है। मरीज को होश आ गया है। हाँ सर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ खाली हाथ आया है और वो हंसी खुशी नजरों से गया। सर बेटे ठीक हो गया? क्या करूँ सर, ग्लूकोज निकाल लूँ सर? हाँ निकालो। ठीक हो बेटी? सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला का मेहरबानी है भाई, अल्लाह ताला आज तक जो मरीज यहाँ हमारे यहाँ आया है वो खुश होकर गया है। नहीं सर, आज हमारे भगवान है सर, आप हमारी दीदी की तबीयत। इंसान हूँ बेटे, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। रामबली हाँ भैया, रितु दीदी को ले चलो। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कितने पैसे हुए, हिसाब तो कर देना। तू ही पूछ लो और दे दो। डॉक्टर साहब मैं संभालता, दीदी को पकड़ो, कितने पैसे हुए? देखिए आना मैं ले चलता हूँ। चलिए अच्छा लेकर चलिए। आओ दीदी, चलो मैं इनका हिसाब करके आ रहा हूँ। आपका टोटल कुल मिलाकर 790 रुपए हो गया। 790 कर्जा लेके आया हूँ, पैसा कहाँ घर पे, ब्याज पे लेके आ रहा हूँ इसको। लीजिए सर 290 और चाहिए? दे रहा हूँ सर। लीजिए सर 90 दे रहा हूँ सर। हाँ सर लीजिए। ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं जाऊँ? दवा तो लेते जाओ कम से कम। लाइए सर, बहुत आपका नाम होगा,
डॉक्टर फखरुद्दीन खान का बहुत नाम होगा, हम जहाँ भी जाएंगे डॉक्टर फखरुद्दीन खान का नाम ही करेंगे। सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी दीदी की जान बचा ली आप। इसको सुबह शाम दो दो ढक्कन पिलाना है। यस सर। और सुबह शाम एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से। जी साहब। ठीक है। और ये भी लेकर जाइए। जी साहब। इसको एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को पिलाना है। जी साहब। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है सर। अच्छा साहब चलता हूँ। ठीक है, चलिए साहब। सलाम। सुकुमार कंप्यूटर। कहिए सर। आज तक इतने मरीज आए हमारे पास और खुश नजर होकर गए हैं, क्यों नहीं सर? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका करिश्मा है। मैं कोई ईश्वर या अल्लाह तो नहीं हूँ, लेकिन खुश नजर होकर गया है। क्यों नहीं सर? या मेरे मौला या मेरे ताला, तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे मान सम्मान पर दाग न लगे कि डॉक्टर खाकर बैठ गया है। क्यों नहीं सर? खुदा कहो चाहे उसे ईश्वर या घनश्याम, मालिक सबका एक है, लाखों उसके नाम। हिंदू मुस्लिम में सुनो दो दानी के नाम, मामी इब्राहिम दूसरे मोरज धुजी। खान साहब बोलो। ऐसा करते हैं, जो अपने गांव जो प्रधान जी हैं, हाँ हाँ बोलो, उनके माताजी की तबीयत खराब है। ऐसा करते हैं सर, हम चलते हैं वहां पर और आप फौरन आइए सर। जाओ। ठीक है सर। अरे इरफान के जो दिल के नगीने में मिलेगी, नगीने में मिलेगी हर चीज, करीने की करीने में मिलेगी, दौलत है अनमोल दफीने में मिलेगी। अरे नमक में मिलेगी ना, मदीने में मिलेगी, और तस्वीरे मोहम्मद मेरे सीने मिले। भैया रामबली। हाँ भौजी। क्या बताऊं कि मेरा मुन्ना बहुत बीमार है और ये दूध भी नहीं पी रहा है और मेरी भी तबीयत खराब है और मेरे पति देव अभी काम पर से वापस नहीं आए। मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने मुन्ने की दवाई कराऊं? का करी भौजी, इतनी दवाई दुआ करावत तो भाई, अब भगवान के जोन मर्जी होए वह करिए। चलो ठीक है, चले आराम करती हूं। अगर मेरे पति देव आ जाएं तो उनके साथ से सलाह करके अपने मुन्ने की दवाई कराऊंगी। ठीक है भौजी, आराम कर ले तू, हम आराम कर लेते हैं तहीं के। लेकिन रामबली भैया। हाँ भौजी। मेरा पता नहीं, मन घबरा रहा है,
मेरे साथ में आज आप भी लेट जाना। भौजी हो तहाँ मन बहुत मुँह भागा था, अपने आत्मा का संतुष्टि करा, जो कुछ भगवान करिए अच्छा अच्छा करिए भौजी। ठीक है, मेरी भी तबीयत खराब हो रही, बुखार है मेरे मुन्ने की बहुत ज्यादा है। जाओ घर से कम्बल ले आओ और बिछाओ, थोड़ा आराम करते हैं, अगर आ जाएंगे तो आगे देखते। घर में कौन कम्बल रहा है भौजी? उन्हें कहा कहा थी हमारे भैया शोक दुई कम्बल हमका दे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वाले दुई कम्बल दे हैं यहाँ, और ओका रखे ही वही लेता हूँ, एक बार तू ओढ़ ले एक बार हम ओढ़ लेते हैं। ठीक है जाओ, देर मत लेके आवत है हवला दिन। ठीक है, तू लेट जा हम ओढ़ाई दे, तू पहुँच जा तो हम अपन बगलिए पहुँच जाए कोने जाए के। ठीक है रामबली भैया। भैया के लगे पहुँचा तू। भाऊजी और बगल में पहुड़ा है। हाँ और चली जा, एमु छंदिया चुआ था ना। हाँ बस बस, हाँ अरे भाऊजी तू पहुड़ा, हम आज जहाँ मन गए हम बिछा ले। भौजी को ओढ़ा दिन, भौजी पहुड़ गई, एक कोने हम कतौ लहा ली अपन, एक आध घंटा आराम कर ली। भैया बहुत थकाई लाग जा था, लकड़ी फाटक काम करे बहुत दिक्कत हो था। अरे यार भैया वो कहती है सारे बड़ा बड़ा मोछन लागत है यार, वो कहती हमारा मन नहीं कहता है पहुड़े के हम। ओ भौजी क्या हुआ, सो जाओ ना चिल्ला रहे हो। अरे भौजी बहुत बड़ा बड़ा मोछन लागत है, वो कहती मारू चारी खाता है, हमारे जैसे रामदाना निकलिया वो काट ली। अरे मच्छर नहीं है भैया, मच्छर होगा। हाँ मच्छर है भैया, मच्छर है, यही सारे बड़कवा मच्छर है सारे काट लेते हैं। सो जाओ, देखो मेरे मुन्ना बीमार, सो जाओ रामबली भैया, सो जाओ। कौन जगह ही ठीक है भगवान, या इतना सोवत ही है गदेला के खोल के अपना जो ना वहाँ मन निराई यहाँ तो ना लड़का सुध नहीं करती। एक तो गदेला ऐसे बीमार है, बुखार पकड़े है, सर्दी हो जाए तो कहाँ हम झरावा लग जा बतावत यहाँ। भैया अपन हथवा मूर लिया तोरे दुधवा पी तो बीमार हो था। एक मच्छर सारे काटने तो मलेरिया पकड़ ले तो हम का करब आखिर, हमारे काट लिया हम बर्दाश्त करब, हम जवान जहील है रकत के पेरुआ ही बतावा उनके काट ली है तो कैसे बर्दाश्त करी है। भैया बड़े बाबू तू ही बतावा आखिर, आज का भा है यार, ये कहती है हमका बहुत सपन भी आता है यार, सपन दिखाता है बहुत बड़ा बड़ा सपन, जोन जोन सपन दिखाता है ये सपन हम कबो देखे नहीं रहे। जैसे हमारे नानक बियाह होता है, सपने में देखा था नानक हमारे बियाह होता है, और हमका न्यौता मिला है बराती जवाइया रहे। मुला यार सपन साला खराब आई, हमारे नानक बियाह पर हमका गाड़ी पड़ती है। हाँ भौजी किसकी बात तू कर रहा है? सपन एक बात करता है भौजी, चिल्ला जी तू सो जाओ बस, हमारे चक्कर में ना रहा तू। अरे शादी अगले महीने में, सो जाओ। हाँ अगले महीने में सो जाओ, अगले महीने में तो हमारे भाई का रवक भी आया पड़ा है।
अच्छा तू सो, अच्छा तू तो हमारे जी पाका कह देती है, न जाने कब छुट्टी मिले तो से हमारे। अब चल कहीं वो लड़ाई है कहीं की हम सारे वाले लिए मच्छर सारे काट रहे हैं। अरे राम हमारे सांस फूलती है कानी कहे वो। अभी तो सारा काम गड़बड़ हो जाता बहु। रहा है नींद में बड़बड़ा रहा है। इन नींद लगी हुई है, ये नींद में बड़बड़ा रहा। हाँ तो अरे जो हम करने आए हैं वो करके जाएंगे, ये जागेगा देखेगा भी तभी नहीं जान पाएगा कुछ। कोई बात नहीं। हाँ आप बच्चे को देखिए, बच्चा कहाँ पर है, लाइए बच्चों। भैया राम बाली बाबू जी। अरे भैया आ गए का जाने हमको नहीं पता। सो जा फिर क्या चिल्ला। हमारे यहाँ नींद नहीं आवत है बाबू जी, हम यहाँ पर होटबो इन कर। फिर कहाँ जा रहे हम ठीक ना पहुँचा। तोरे बगली हमका नींद नहीं आवत है, हम जाते भौजी पछुआरे कहती हो कहती पहुड़ा। नहीं है सो जा तू। नहीं भौजी तू सो जा, बोला जी तू। भैया सो जा। हाँ भैया सो गया। हाँ पछुआरे वाले मुहारे की जल्दी पहुड़े और कौनो काम लगे तो बोलवा लू। आए ठीक है भाजी जाओ। ये हमारे भाई नींद ना जाए पूरी रात बीजे, सारे तो बड़ा बड़ा सारे मच्छर काटता है, वो कह गए सपन दिखाता है। अभी जगह हम छोड़ दे, पानी में जाते ही पछुआरे कहते हैं भाजी। बोला लू हुआ सो जा, अब जागो जी।